आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हाँ टॉपिक का नाम होगा टॉर्क ऑन ए करंट कैरिंग लूप बेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। टॉपिक का क्या नाम है? टॉर्क ऑन करंट कैरिंग लूप बेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, यूनिफॉर्म मतलब फील्ड कैसी होगी, हर पॉइंट पे डायरेक्शन में और वैल्यू में कैसी होगी, सेम होगी। ठीक है, ऐसा इसमें क्या होगा, जैसे देखो मान लो कि हमारे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है कहीं पर इस तरह से, और और यहाँ पे ना इस मैग्नेटिक फील्ड में ये यूनिफॉर्म है, देखो लाइंस की स्पेसिंग कैसी है, सेम है, और एरो देखो सब एक डायरेक्शन में, तो ये क्या हो गया, ये हो गया यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। इस फील्ड में हमने क्या किया, एक कॉइल को प्लेस किया, एक कॉइल है हमारा, यहाँ पे यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। यस, ठीक है, इस कॉइल का नाम हम दे देते हैं अभी पी क्यू आर एस। ठीक है, ये हमने कॉइल प्लेस कर दिया यहाँ पे, पी क्यू आर एस इज अ कॉइल प्लेस्ड इन मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे मैग्नेटिक
कॉइल का नाम हम ए बी सी डी नहीं देते हैं क्योंकि बी आता है तो बी मैग्नेटिक फील्ड के लिए भी होता है, ठीक है, इसलिए आप हमने पी क्यू आर एस नाम ले लिया। अब हमने क्या किया, इस कॉइल में हमने करंट पास करवाया, यहाँ पे करंट जाएगी ऐसे, ठीक है, ये करंट यहाँ से आई पास करेगी, यहाँ नीचे बैटरी लगा दी हमने, करंट ऐसे पास करेगी और यहां से आकर के ये निकल जाएगा, ठीक है। यहां लिख देते बी वेक्टर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। अब जब हमने इस कॉइल को प्लेस किया मैग्नेटिक फील्ड में, यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये आता है कि इस कॉइल पे चूंकि करंट पास हो रही है और हमने क्या सीख के रखा है कि जब भी हम किसी भी करंट कैरिंग वायर को प्लेस करते मैग्नेटिक फील्ड पे तो उसके ऊपर फोर्स लगता है, ठीक है, और ये फोर्स का फॉर्मूला सबको पता है, फोर्स का फॉर्मूला था बी आई एल, ठीक है। कंडीशन क्या थी कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ कैसी होनी चाहिए, परपेंडिकुलर। अगर फील्ड ऐसी है, लेंथ अगर ऐसी है तो फोर्स कितना लगेगा, बी आई एल, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करिए, फील्ड ऐसी है। अगर एंगल पे होता है तो आप एंगल थीटा देखते हैं, ठीक है, हाँ, तो ये हमारा हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला, ठीक है, इनके बीच में अगर कुछ एंगल आ जाता है तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, एल थीटा लिख देते हैं, ठीक है। जैसे मान लो अगर यहाँ पे ये मैग्नेटिक फील्ड अगर ऐसी होती, ठीक है, और लेंथ अगर ऐसी होती तो करंट कैरिंग वायर की, यहाँ पे अगर मान लो थीटा है, लेंथ अगर ऐसे है तो हम क्या लिखते हैं, आई एल बी साइन थीटा लिखते हैं। अगर थीटा 90 डिग्री है साइन 91 हो जाएगा, तो आई एल बी बचेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे सबसे पहले सवाल पूछा जाएगा कि टॉर्क तो बाद में आता है, टॉर्क किससे क्रिएट होता है, टॉर्क तो फोर्स से क्रिएट होता है, तो सबसे पहले आपको किसकी स्टडी करनी होगी, यहाँ पे फोर्स के बारे में स्टडी करनी होगी कि फोर्स कैसा लगेगा। तो यहाँ पर देखो ये करंट ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस कॉइल पे जो फोर्स लगेगा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वो फोर्स लगेगा अंदर की तरफ। इसको हमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड या राइट हैंड से, करंट कैसी जा रही है, ऊपर जा रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट में, करंट ऊपर जा रही है, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड कैसा है, राइट में, तो फोर्स देखो फील्ड किधर गया, इधर है, करंट कैसी ऊपर है, फील्ड इधर है, थंब अंदर की तरफ जा रहा है, मतलब फोर्स किधर लग रहा है, इस पर इनवर्ड लग रहा है। यहाँ पे अगर हम फोर्स की बात करें तो ये वाला फोर्स किधर लग रहा है, ये वाला फोर्स लग रहा है इनवर्ड, ठीक है। और अगर इस बार की बात करें तो यहाँ से करंट डीसी आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, मैग्नेटिक फील्ड है नीचे की तरफ, ठीक है, सॉरी करंट किधर है, नीचे की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, राइट में, देखो ये वाली उंगली, ठीक है, राइट में, फील्ड किधर है, नीचे, तो थंब मेरी तरफ है, थंब तुम्हें दिख नहीं रहा है क्योंकि थंब मेरी तरफ है, तो फोर्स मतलब किधर हो गया, थंब अगर मेरी तरफ है तो इसका मतलब ये हुआ कि थंब जो है दैट द फोर्स इज गोइंग आउट ऑफ द स्क्रीन, फोर्स किधर जा रहा है, एक मिनट, बाहर आ रहा है, बाहर आ रहा है, थंब बाहर की तरफ आ रहा है, मतलब फोर्स कैसे आउटवर्ड है, ये अब यहां पे हम क्या ले सकते हैं, और ये जो पीक्यू वाला पार्ट है ना, पीक्यू वाले पार्ट को देखा जाए तो मैग्नेटिक फील्ड किधर है, इधर, और करंट कैसे फ्लो कर रही है, करंट एक एंगल पे फ्लो कर रही है, तो यहां पर देखो ये अगर एंगल पे फ्लो कर रही है तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड और पीक्यू के बीच में कुछ एंगल होगा, तो अगर हम वहां पे लिख दे कि आई इंटू लेंथ ऑफ पीक्यू इंटू बी, तो वहां पे मुझे थीटा भी ऐड करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे क्लियरली कुछ एंगल बन रहा है, ठीक है,
यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ इसकी विड्थ डब्लू है, तो आई विड्थ और बी इंटू थीटा, जो भी थीटा यहाँ बन रहा होगा, इन द सेम वे वही आर एस थीटा यहाँ पर भी बन रहा होगा, तो मैं वहां पर भी थीटा लिख सकता हूँ। लेकिन एक बात तो पक्की है, अगर ये मान लो जो फील्ड होगा ना, फील्ड इधर है, पी क्यू अगर इधर जा रही हो, पी क्यू अगर ऐसा जा रहा होता, ठीक है, फील्ड ऐसा होता, ठीक है, पी क्यू अगर ऐसा अंदर की तरफ जा रहा होता तो फोर्स किधर होता, नीचे की तरफ होता। अगर पी क्यू परपेंडिकुलर होता तो, और आर एस पे करंट जो बाहर की तरफ जाएगी, करंट अगर बाहर की तरफ जाएगी तो फोर्स किधर होता, आर एस पे ऊपर की तरफ होता ना? अगर पी क्यू परपेंडिकुलर होता तो फोर्स पी क्यू पे नीचे होता, और अगर आर एस परपेंडिकुलर होता तो करंट जैसे बाहर की तरफ आ रही है तो फोर्स किधर होता, ऊपर होता। यानी इस पे फोर्स किधर लगेगा, ऊपर की तरफ। अब इस पे फोर्स किधर लगेगा, डाउन, ठीक है। हाँ, ये बात सही है कि PQ पे फोर्स हम वहां पे डायरेक्टली I into length of PQ into B नहीं कर सकते, बिकॉज वहां पे कुछ एंगल क्रिएट हो रहा है, घूमेगा ना, ये एंगल चेंज करेगा। PS और QR हमेशा 90 डिग्री पे रहेंगे विद मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि ये चीज ऐसी है, हमेशा 90 डिग्री। लेकिन PQ और QR SR के बीच में जो एंगल जो है ना, वो लगातार चेंज करेगा, ठीक है। अब हम यहां पे क्या लिख सकते हैं, देखो ऐसा लिखेंगे, इन गिवन फिगर फोर्स ऑन पी क्यू हो जाएगा आई एल बी, और ये फोर्स कैसा होगा, इनवर्ट। फोर्स ऑन क्यू आर क्या हो जाएगा, आई एल बी, ये फोर्स कैसा हो जाएगा, आउटवर्ड। फोर्स ऑन पी क्यू, सॉरी पी क्यू नहीं, फोर्स ऑन पी एस, फोर्स ऑन पी एस आई एल बी, और फोर्स ऑन क्यू आर, ये भी क्या हो जाएगा, आई एल बी, ठीक है। यहां पे पी क्यू क्या हो गया, एल हो गया, और क्यू आर क्या हो जाएगा, क्यू आर यहां पे एल हो जाएगा। ये लेंथ कितनी है, PQ की L है, और ये PS की लेंथ L है, और QR की लेंथ भी L है, ठीक है। और ऊपर वाले की लेंथ कितनी है, W है, विड्थ उसको नाम दे देते हैं हम लोग, ये कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी हमारी W width। PQ की जो W है, अब फोर्स और ILB कितना हो गया, आउटवर्ड हो गया, PS पे हो गया आई एल बी इनवर्ड, और क्यू आर पे कितना हो गया, आई एल बी आउटवर्ड। फोर्स ऑन पी क्यू ये हो जाएगा आई डब्ल्यू क्रॉस बी वेक्टर। देखो यहां पर एंगल है, ठीक है, ये एंगल थीटा है, और ये वाला फोर्स किधर होगा, अपवर्ड। फोर्स ऑन एस आर इक्वल टू ये हो जाएगा आई डब्ल्यू क्रॉस बी वेक्टर, ठीक है। इस पे भी फोर्स वैरी कर रहा है पी क्यू पे, और एसआर पे भी फोर्स क्या कर रहा है, वैरी कर रहा है। ये पूरी की पूरी लेंथ मान के चलो, ठीक है, इसको तो यहां से मान के चला, गैप बहुत छोटा है यहाँ का, ये वाला गैप कैसा, बहुत ही छोटा है। तो अब यहाँ पे हम क्या देखेंगे, ये वाला फोर्स किधर जाएगा, ये फोर्स जाएगा डाउनवर्ड, इसका टोटल फोर्स जीरो हो गया, इसका टोटल फोर्स जीरो हो गया, ठीक है। नेट फोर्स ऑन लूप
इज जीरो, ठीक है। टोटल फोर्स अगर आपने देखा, इनवर्ड आउटवर्ड का जीरो, इनवर्ड अपवर्ड डाउनवर्ड का जीरो, ठीक है। ये मैंने बोला ये पीक्यू पे फोर्स लगातार वैरी कर रहा है, तो एसआर पे भी वैरी कर रहा है, क्योंकि दोनों के बीच एंगल तो सेम रहेगा, इसलिए ये फोर्स कुछ भी हो, ये फोर्स कुछ भी हो, काटेगा ही काटेगा। ये फोर्स कॉन्स्टेंट रहता है, ये फोर्स भी कॉन्स्टेंट रहता है, लेकिन ये दोनों भी क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ठीक है। तो नेट फोर्स हर सिचुएशन में कैसी होगी, जीरो, ऑन द लूप इज जीरो, देयरफॉर सेंटर ऑफ मास रिमेन्स एट रेस्ट, ठीक है। मतलब इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो कैसा रहेगा, रेस्ट पे रहेगा, देयर इज नो ट्रांसलेटरी मोशन, किसी भी तरह का कॉइल में कोई भी तरह का ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग, अगर ट्रांसलेटरी मोशन नहीं होगा तो क्या यहाँ पे रोटेटरी मोशन हो सकता है। तो देखो, रोटेशन के लिए क्या जरूरी होता है, रोटेशन के लिए जरूरी होता है टॉर्क। टॉर्क किससे बनता है, टॉर्क बनता है कपल ऑफ फोर्स, कपल ऑफ फोर्सेस। कपल ऑफ फोर्सेस मतलब क्या हो गया, मान लो कोई रॉड ऐसे है, हमने इस पर दो फोर्स लगाई, एक ऐसी और एक ऐसी, इक्वल एंड ऑपोजिट, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसको घुमाएगा, ठीक है, सेंटर ऑफ मास के बाद घुमाएगा इसको। लेकिन अगर मान लो मैंने कोई फोर्स अगर ऐसी लगा दी, एक फोर्स ऐसी लगा दी, तो ये इसको नहीं घुमा सकता, क्योंकि ये फोर्स एक ही लाइन पे अलोंग है। जब भी कोई कपल कब बनता है, जब इक्वल होती है फोर्स, ऑपोजिट होती है, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस होना चाहिए। अगर उनके बीच में डिस्टेंस नहीं है तो वो बॉडी को नहीं रोटेट करवा सकती, ठीक है। अब यहां पर देखो, अगर हमने पी क्यू आर एस की बात करें, तो यहाँ पे नेट फोर्स तो जीरो लग रहा है, लेकिन ऊपर वाला फोर्स और नीचे वाला फोर्स एक ही लाइन पे है ना, देखो इनका एक ही लाइन ऑफ एक्शन है। जैसे ये कैसे होता है, एक लाइन ऑफ एक्शन है, ठीक है, ऐसा देखो एक लाइन ऑफ एक्शन है। इनके बीच में किसी भी तरह का परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है, ये एक ही लाइन के लोगे, तो ये कोई भी तरह के टॉर्क में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर हम ये दो फोर्सेस की बात करें, PQ पे लगने वाला फोर्स और QR पे लगने वाला फोर्स, तो ये वाले फोर्स के बीच में कुछ डिस्टेंस हमको दिख रहा है ना, क्योंकि देखो ये फोर्स इनवर्ड है और ये वाला फोर्स कैसा है, आउटवर्ड है। ये वाला फोर्स कैसा है, आउटवर्ड है ना, इसलिए ये देखो इनके बीच में कुछ डिस्टेंस होगा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, देखो तो यहां से ऐसा जा करके देख रहा, ठीक है। तो ये जो है ना, ये टॉर्क में कंट्रीब्यूट करेगा, तो हम यहां पे देखेंगे कि टॉर्क विल बी कंट्रीब्यूटेड बाय द फोर्स ऑन पीएस एंड द फोर्स ऑन द क्यूआर, ठीक है। तो यहां पे ऐसा मैं इसको मिटा देता हूं, तो यानी कि ट्रांसलेटरी मोशन तो नहीं होगा, लेकिन रोटेटरी मोशन यहाँ पर होगा। अब मैं लिखता हूँ आगे टॉर्क के बारे में पढ़ते हैं। ऐसा लिखेंगे, फोर्सेस एफ पी एस एंड एफ क्यू आर कंट्रीब्यूट टू टॉर्क एस दे आर कपल फोर्सेस। ठीक है, कपल फोर्स का मतलब क्या हुआ, जैसे देखो ये नोटबुक है हमारे पास, ठीक है, ये नोटबुक है अगर, तो ये जो पी क्यू और एसआर वाला फोर्स है ये ऐसा है, ये ऐसे देखो नोटबुक दोनों लगा, मैं नीचे से भी खींच रहा हूं, मैं ऊपर से भी खींच रहा हूं ऐसे करके, लेकिन ये घूम नहीं रहा। लेकिन जो पी एस वाला फोर्स है और जो क्यू आर वाला फोर्स है वो कैसा है, देखो ये ऐसा वाला,
ठीक है, ये ऐसा वाला फोर्स, ये घुमा रहा है। तो पी एस और क्यू आर वाला फोर्स क्या बनाता है, कपल बनाता है, तो उसकी वजह से टॉर्क होता है। लेकिन जो ऊपर नीचे वाला फोर्स है उसकी वजह से किसी भी तरह का टॉर्क ऊपर वाले फोर्स की वजह से किसी भी तरह का टॉर्क कंट्रीब्यूट नहीं होता है, और ये वाले की वजह से इसके इसकी वजह से नहीं होता है, इसकी वजह से होता है। ठीक है, अब हमको ये टॉर्क दिखाना है। अब देखो ये फिगर जो है ना, ये फिगर बन रहा है थ्री डी में, जिसको इमेजिन कर पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम लोग अब क्या करते हैं, इस फिगर को कैसे हम लोग टॉर्क निकालेंगे जरा उसको देखते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे देखो एक टर्म होता है एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर मतलब क्या होता है, जैसे मान लो ये कोई सरफेस है, ठीक है, इसके पास अपना एरिया, अगर इसके पास अपना एरिया है तो इसका एरिया वेक्टर कैसा हो जाएगा। तो हमने एरिया वेक्टर ऐसा दिखा दिया, परपेंडिकुलर टू सरफेस, ठीक है, कोई भी यहाँ पे ड्रॉ कर दो, यहाँ पे ड्रॉ कर दो, कोने में ड्रॉ कर दो, ठीक है, कहीं भी दिखा दो इसका, ये क्या इसको बोलते हैं एरिया वेक्टर। व्हाट इज एरिया वेक्टर, इट इज अ वेक्टर व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस, दैट इज कॉल्ड एज एरिया वेक्टर। अब यहाँ पे अगर हमने इस फिगर को देखना है, ठीक है, तो आप कैसे देखेंगे, देखो इसको मैंने क्या किया, इस फिगर को मैंने रीड्रॉ किया एक काम करके, यहां मैंने ड्रॉ कर दी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, इस फिगर को ड्रॉ करने के बाद मैं इसको मिटा दूंगा, ठीक है, इसकी हेल्प लेकर। ये अब क्या करेंगे, ये जो है ना इसको, चूंकि ये 3D व्यू है, इसका 2D व्यू बनाने के लिए हम क्या करते हैं, इसको ऐसा बनाते हैं, ठीक है, यहां पे ऐसे मैग्नेटिक फील्ड है और ये हमने यहां पे इसका टॉप व्यू ड्रॉ कर दिया, ये खाली PQ वाला पार्ट, ये खाली हमने ड्रॉ कर दिया पे PQ वाला। ठीक है, PQ हमने ड्रॉ कर दिया और इसका एरिया वेक्टर कैसा होगा, ये इसका कैसा व्यू, टॉप व्यू है। टॉप व्यू मतलब तुम देखो ये ऐसे नोटबुक है, ठीक है, ये सामने का व्यू है, ठीक है। अगर मैं तुम्हें सोचू नोटबुक अगर ऐसे दिखाओ तो तुम ये चीज में तुमको ये लिखा हुआ दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है, सब कुछ दिख रहा है ऊपर। लेकिन अगर मैं तुमको नोटबुक अगर ऐसे दिखाता हूँ तुम्हें सामने से क्या दिख रहा है, क्लियरली तुमको सामने से रेक्टेंगल दिख रहा है, ठीक है, ये सामने का। अगर मैं इसको टॉप से देखूंगा ना तो मुझे खाली ऊपर का स्ट्रिप दिखेगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ये कौन सा व्यू बनाया, इसका टॉप व्यू। अगर हम टॉप व्यू की बात करें तो यहाँ पे क्या क्या, एक तो लग रहा फोर्स इनवर्ट, और ये जो फोर्स होता है ये कैसा होता है, ये लेंथ पे परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, फोर्स लेंथ के कैसा होता है, परपेंडिकुलर, क्योंकि आई एल बी होता है तो फोर्स हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होता है। मैग्नेटिक फोर्स की दो खास बात होती थी कि एफ वाज परपेंडिकुलर टू फील्ड, एफ वाज परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी। करंट मतलब क्या हो गया, वेलोसिटी हो गया, क्योंकि करंट मतलब फ्लो ऑफ चार्ज, तो वो वेलोसिटी हो गया। तो यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ना वो करंट के परपेंडिकुलर होगा, दूसरी बात वो मैग्नेटिक फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, और एरिया वेक्टर कैसा होता है, एरिया वेक्टर प्लेन के परपेंडिकुलर होता है। तो मैं लिखूंगा अभी दोस्तों, सबसे पहले हम ड्रॉ करते हैं यहाँ पे दो बातें, एक मैग्नेटिक फील्ड और एक एरिया वेक्टर। पहले एरिया वेक्टर को देख लो, समझ में आ जाएगा अच्छे से। हाउ इज एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द सरफेस। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऐसे मैंने यहाँ पे एरिया वेक्टर ड्रॉ कर दिया जो कि परपेंडिकुलर होगा प्लेन सरफेस के, ऐसे देखो ये हमारा बन गया एरिया वेक्टर। कैसा होता है एरिया वेक्टर, परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। तो मैंने यहाँ पे देखो इसको ऐसा ड्रॉ कर दिया, ये हमारा बन गया एरिया वेक्टर, क्लियर हो गई, ऐसे किसी को दिक्कत नहीं है। What is the direction between the area vector and the magnetic field? तो direction हम दिखा देंगे, ये कितना होगा, ये field है, ये area vector है, तो theta होगा। ठीक है, what is the direction between the field and the area vector, मतलब theta। यहाँ पे अगर तुम देखो ना अगर इस चीज को, तो यहाँ पे अगर मैं दिखाऊँ तो ऐसी जाएगी,
ऐसे गई ना, देखो ये थीटा बना, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, ये थीटा अगर, तो फिर यहाँ पे अपने को देखना होगा कि एरिया वेक्टर हो गया, यही चीज मैंने 2D में ये टॉप व्यू दिखा दिया जो कि मुझे 2D दिखेगा। उसके बाद आगे हम क्या देखेंगे, जो फोर्स होगा वो फोर्स कैसा होगा, वो फोर्स होगा फील्ड के भी परपेंडिकुलर होगा और इसके भी परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम यहाँ पे फोर्स कैसे दिखाएंगे, ये फोर्स हो जाएगा, देखो तो टॉप व्यू से अगर देखेंगे ना तो फोर्स हमको ऐसा दिखेगा, ये फोर्स चौक कर दिया, इनवर्ट फोर्स है ना, कलर अलग चूज कर लेता, ये फोर्स, ये फोर्स देखो ये ऐसा हो गया फोर्स, ठीक है। जैसा हमारा फोर्स हो गया, अब ये एंगल अगर थीटा है, ये विड्थ कितनी थी, डब्ल्यू थी इसके लिए, ये विड्थ हमने दिखा था डब्ल्यू, यहाँ पे डब्ल्यू इसकी विड्थ हो गई, ये एंगल थीटा होगा, ये वाला एंगल देखो, ये पूरा एंगल कितना हो गया, ये पूरा एंगल हो गया 90, ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये पूरा एंगल कितना है 90, ये एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा, बिकॉज ये थीटा, ये पूरा 90, क्यों 90, बिकॉज ये फील्ड, ये देख लो ये फील्ड कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू द, जो फोर्स कैसा होता है, परपेंडिकुलर टू फील्ड होता है, ये एंगल पूरा 90, ये फोर्स वेक्टर हो गया ना, ये फोर्स हो गया ऑन क्यू आर, ये फील्ड, फोर्स और फील्ड में कितना एंगल होता है 90, ये एंगल अगर मैंने थीटा लिया है, ये एंगल कितना 90 माइनस थीटा हो जाएगा। अच्छा उसके बाद एरिया वेक्टर जो होता है वो जो होता है प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, ये एंगल देखो 90 हो गया, अगर ये एंगल 90 हो गया पूरा का पूरा, यहाँ से ये 90 माइनस थीटा, ये हो जाएगा ये 90 माइनस थीटा अगर होगा तो 90 माइनस 90 माइनस थीटा हो जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है। कैसे ही सेट हुआ एंगल, ठीक है, सीधी सी बात है, ये 90 पूरा, ये 30 हुआ, ये 30 अगर हुआ तो ये 90 माइनस 30 60 हो जाएगा, ये 60 हुआ तो 90 माइनस 60 कितना हो गया 30 हो जाएगा, ऐसा, ठीक है, ऐसी बात, ये हमारा इसके लिए सकते हैं थीटा, ठीक। अच्छा अब देखो, अब ये नोट कर लिया होगा पूरा का पूरा, अब ये वाला पार्ट इरेज कर रहा हूँ, ठीक है, इधर का ये वाला फिगर का काम हो गया होगा, अब यहाँ पे लिखते हैं एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू प्लेन सरफेस, ठीक है, एंड फोर्स एक्टिंग ऑन द लेंथ एक्टिंग ऑन लेंथ QR and PQRS and PQRS and PS are also perpendicular to B vector. ठीक है, ये हमने पहले रूल पढ़ के रखा हुआ है, एरिया वेक्टर तो हमने क्लास 11th में सीख लिया था, और फोर्स होता है वो हमेशा इसके लेंथ के परपेंडिकुलर होता है, ये हमने क्या कहते हैं बेसिक लॉ ही होता है मैग्नेटिज्म का, F = Q
वी क्रॉस बी होता है। वी क्रॉस बी मतलब फोर्स जो होगा वो वेलोसिटी के और मैग्नेटिक फील्ड दोनों के परपेंडिकुलर होगा एफ वी वेक्टर को, तो क्यू वी क्रॉस बी होता है ना, वी क्रॉस ए क्रॉस बी के एफ जो होगा वी और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा, तो टू बी वेक्टर एज वेल एज टू द करंट भी होगा। तो करंट की यहाँ जरूरत नहीं है इसलिए मैंने नहीं लिखा। एडजेसेंट डायग्राम इज अ टॉप व्यू ऑफ करंट कैरिंग कॉइल, ठीक है। नाउ देखो ये लिख दिया मैंने एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर टू कॉइल और फोर्स परपेंडिकुलर टू बी, ठीक है। फोर्स ये दिखा दिया परपेंडिकुलर टू बी और एरिया दिखा दिया परपेंडिकुलर टू द एरिया ऑफ द कॉइल। ये किसका है, एरिया का और कॉइल का 90, ठीक है। और ये 90 किसका है, ये 90 है फील्ड का, फील्ड का और फोर्स का, फोर्स का और फील्ड का ये वाला एंगल है, और एरिया का और प्लेन का, ठीक है, ये वाला एंगल, ठीक है। तो यहाँ पे ले सकते हैं लेट एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड बी वेक्टर बी थीटा, देयरफॉर एंगल बिटवीन फोर्स वेक्टर एंड प्लेन सरफेस क्या हम कह सकते हैं, और PQ लिखो बेटर होगा, समझने में आसानी होगी। फोर्स वेक्टर एंड PQ इज ऑल्सो थीटा एज सीन फ्रॉम फिगर, ठीक है, बाय यूजिंग ज्योमेट्री। देयरफॉर ये अगर एंगल थीटा ये लिख लो, इसको फटाफट नोट कर दो, टाइम कम है, ठीक है, इसकी जल्दी से एक क्लिक ले लो, ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको इरेज करो हम, ठीक है। हमको निकालना टॉर्क का एक्सप्रेशन है, आगे हम क्या ले सकते हैं, इसको पी क्यू आर, इसको नाम देते एक बार के लिए एन का, एन, ठीक है, इन ट्रायंगल पी क्यू एन साइन थीटा इक्वल्स टू, ये हो जाएगा कितना W वाई, नहीं ये डिस्टेंस मान लेंगे बाकी X, जो दो ये दो फोर्स है ना, ठीक है, देखो फोर्स क्यू आर है ये, और ये फोर्स कौन सा था, ये फोर्स था क्यू आर और वो था पी क्यू आर एस, ये फोर्स था आर एस, डब्ल्यू वाई, और ये 90 डिग्री पे है, W वाई x, this is project, x equals to कितना हो जाएगा w sin theta, therefore ये दोनों force क्या हो गई, तो perpendicular distance हो गया, देखो तो forces का, ये force का देखो तो perpendicular distance नहीं आ रही, क्योंकि force तो field के perpendicular था, ये वाला भी ये वाला भी, ये distance obvious ही बात है, ये line का क्या हो गया, ये perpendicular distance हो गया, therefore perpendicular distance between फोर्स, सॉरी एक्स बाय डब्ल्यू, तो एक्स हो जाएगा डब्ल्यू, चलो डिस्टेंस बिटवीन फोर्स, इसको जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, इस डब्ल्यू साइन थीटा,
नॉट टॉर्क इक्वल्स टू क्या होता है, टॉर्क का फॉर्मूला था फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स कितना है, आई एल बी, ठीक है, क्योंकि आई एल बी ने क्रिएट किया था, मैंने बोला था डब्ल्यू वाला तो टॉर्क में कंट्रीब्यूशन दे नहीं रहा था, इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया डब्ल्यू साइन थीटा, इसको ले सकते हम लोग आई एल लेंथ इनटू विड्थ। देखो तो ये ऐसे था ना, ये लेंथ था ये विड्थ था, लेंथ इनटू विड्थ क्या देता है एरिया देता है ना, और बी साइन थीटा, इसको ले सकते आई आई ए क्रॉस बी, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द टॉर्क, आई इनटू एरिया क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड, इसको फटाफट नोट कर। ठीक है, और अगर यहां पे n टर्न्स होंगे, और n टर्न्स टॉर्क हो जाएगा आई एन ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, n टर्न्स के लिए टॉर्क जो होता है ना n टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फिगर ध्यान में रखना है, बहुत सिंपल सा फिगर है, कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, ठीक है, ये समझ में आ गया ना तुमको कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, इसमें एक चीज और भी लिख सकते हो, एन ए याद करो, आई एन ए क्या था, आई एन ए था क्या कहते हैं मैग्नेटिक मोमेंट, है ना, पढ़ा था ना एन आई ए।